नमस्कार, मैं किशोर कुमार, स्वागत करता हूं आपका द राजस्थान लाइव न्यूज पर। द राजस्थान लाइव न्यूज की देसी चुनावी यात्रा के तहत आज हम ग्राम पंचायत चौरा में पहुंचे हैं। सरपंच प्रत्याशी धर्मराज सैनी से हम खास मुलाकात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। उदयपुरवाटी पंचायत समिति के चुनाव हैं जो 10 तारीख को होने हैं। चुनावी माहौल है जो गरमाया हुआ है। हम पिछले 10 दिन से रेगुलर आपको मतलब हर एक ग्राम पंचायत की अपडेट देने के लिए अपडेट उपलब्ध करवा रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम ग्राम पंचायत चौरा में पहुंचे हैं। सरपंच प्रत्याशी से बात करेंगे, क्या इनके मुद्दे हैं और क्या कार्य हैं जो ये अपनी प्रायोरिटी में लेकर मतदाताओं के पास जा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, खास मुलाकात में चौरा से सरपंच प्रत्याशी धर्मराज सैनी से बातचीत करेंगे। चौरा से सरपंच प्रत्याशी धर्मराज सैनी जी हमारे साथ मौजूद है हमारी खास मुलाकात में। आज हम इनसे बात करते हैं ग्राम पंचायत चौरा में जो विकास के कार्य हैं, क्या विकास के एजेंडे लेकर ये मतदाताओं के पास जा रहे हैं, उनकी नब्ज टटोल रहे हैं और उनको अपनी ओर मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इनसे हम खास मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और आप देख रहे होंगे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। चुनावी माहौल है जो गरमाया हुआ है हर जगह। चाय ठेले पे भी हम बात करें तो चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। जगह जगह लोग बैठ के और चुनाव की चर्चाएँ कर रहे हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार साहब। देखिए पत्रकार साहब, मेरी पंचायत में अभी तक स्कूल की व्यवस्था देखें तो वो भी डगमगा रही है। कोई आम रास्ते की बात करें तो हमारी पंचायत में एक मुख्य रास्ता है, उसमें 8-10 गांव के लोग गुजरते हैं उस साइड से। उसमें कीचड़ कीचड़ है, पैदल तो इंसान निकल ही नहीं सकता। अब पहले भी मैं विकास की बात करें तो अब मैंने पहले भी यहाँ पंचायत के लिए 5 साल से काफ़ी प्रयास किया है और कुछ काम मैंने पंचायत में करवाए भी हैं। देखिए पत्रकार साहब, मेरी पंचायत में पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। सर्वप्रथम मैं जिस भी डाने में जिस मोहल्ले में पानी की सुविधा नहीं होगी, मैं सर्वप्रथम मेरी वही है कि मैं सबसे पहले मेरी पंचायत में पानी की व्यवस्था करूँगा, चाहे कहीं से भी करूँ। दूसरी बात मेरी ये है कि जो आम रास्ते हैं वो बिल्कुल इस टाइम में, कुछ रास्ते तो मैंने पहले किसी के सहारे से मैंने कुछ काम करवाए भी हैं और कुछ रास्ते भी अधूरे हैं, उनका भी मैं सर्वप्रथम सीसी रोड डलवाऊंगा। डाणियों में कई रास्ते की भी हर प्रॉब्लम है तो मैं कैसे भी समाज के 5 आदमी मेरे साथ लेके उन रास्तों का भी मैं निकालूंगा। दूसरी मेरी शिक्षा के बारे में भी, मैं प्रत्येक दिन स्कूल में 1 घंटा जाऊंगा। शिक्षकों को भी मैं, मेरे से जो उनको कहा जाएगा उनको कहूँगा, समझाऊँगा, और बच्चों को भी मैं मेरी तरफ से कुछ बताऊंगा। हमारे यहाँ वर्तमान सरपंच है ना, उन्होंने बिल्कुल नरेगा का मामला देख लो आप, खाद्य सुरक्षा का मामला देख लो, ये काम तो उन्होंने बिल्कुल भी पेंडिंग में डाल रखे सारे काम। मेरी पंचायत में ये खाद्य सुरक्षा के कम से कम 300 कार्ड तो मैं पहले भी चालू करवा चुका हूँ और खाद्य सुरक्षा से किसी को भी वंचित नहीं रहने दूंगा। रही बात पेंशन की, पेंसिल के बारे में भी कई बूढ़े बुजुर्ग मेरे पास आते हैं, बेटे मेरी पेंसिल अट गई, उसने कटवा दी, वो कर दी। पेंसिल के लिए किसी भी बुजुर्ग को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंचायत के जो युवा हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं पत्रकार साहब? देखो युवा तो मैं भी युवा हूँ, सब युवाओं को साथ लेके और वो मैं उनका भी सुझाव लूँगा और मेरे भी उनको मैं दूंगा और सब मिल के विकास करेंगे। बिल्कुल पत्रकार साहब, खेल मैदान भी युवाओं के लिए मैं अच्छा तैयार करूँगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारे यहाँ 8-10 पंचायतों में मैं जैसा खेल मैदान तैयार करूँगा वैसा शायद कहीं देखने को मिलेगा आपको। आने वाली 10 तारीख के लिए आप हमारे चैनल के ग्रामवासियों को क्या अपील करना चाहते हैं? आने वाली 10 तारीख को मैं सभी ग्रामवासियों को मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि 10 तारीख को मेरे को बुर्ज के निशान पर वोट दे के मुझे विजय बनाएं। आपका स्नेह प्यार मुझे पर बनाए रखें, मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ धर्मराज जी सैनी, ग्राम पंचायत चौरा से।